नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना गुजरात। 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार जीती ट्रॉफी। कप्तान पार्थिव पटेल ने खेली शतकीय पारी, बने मैन ऑफ द मैच। महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान से पलटे अनिल विज, कहा किसी की भावना ना हो आहत, यह मेरा निजी बयान। विज ने कहा था गांधी की वजह से डूबी खादी, अब धीरे धीरे नोटों से हटेंगे गांधी। बीजेपी समेत तमाम दलों ने की थी बयान की निंदा। बिहार में दही चूड़ा पर राजनीति, कल मकर संक्रांति के लिए नीतीश ने बीजेपी को दिया न्योता। बीजेपी को भोज में बुलाने पर कांग्रेस हुई खफा, वहीं सुशील मोदी बोले नीतीश से है दिल का रिश्ता। राहुल गांधी द्वारा हाथ पर की गई टिप्पणी से बीजेपी नाराज। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राहुल ने एक रैली में कांग्रेस के चुनावी चिन्ह को जोड़ा था धार्मिक देवताओं से। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गिरा पारा। ठंड और कोहरे से रेल सेवा भी प्रभावित। 25 ट्रेनें लेट, 6 के समय में बदलाव, 8 ट्रेनें की गई रद्द। और पाकिस्तानी सेना का काला चेहरा हुआ बेनकाब। पश्तून नेता उमर खट्टक ने पाक सेना पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लाहौर शहर में सैकड़ों पश्तून लड़कियों से करवाया जा रहा है देह व्यापार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।